रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा रहा, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा से खबर फास्ट ने खास बातचीत की। क्या एक स्वर्ण युग की समाप्ति मानी जाए, यह सोने युग का अंत है इस अधिवेशन के साथ? नहीं देखिए, ये कोई अंत नहीं है, कोई युग की बात नहीं है। सोनिया जी ने 25 साल हमें ऐसा नेतृत्व दिया, 10 साल हमारी सरकार रही, कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा लेकर उस समय निकली और अब एक नई ऊर्जा लेकर फिर निकलेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत सोनिया जी ने करवाई, उनका निर्णय था एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, ही उनका उन्होंने आखिरी निर्णय एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने ये निर्णय लिया था, और उससे ही आप देख रहे हैं कि देश में एक नया बदलाव देश देख रहा है, एक नई ऊर्जा आ रही है। और वो यहाँ से ये एक तपस्या का फल था, ये एक तपस्या जो तपस्या पूर्ण हुई, ये उसका परिष्कृत रूप है क्या? ये राहुल जी की अधिवेशन के बारे में क्या अगला सीएम का चेहरा भूपेश बघेल रहेंगे? हम ये यहाँ का विषय नहीं है। ये भूमिका बता दीजिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये एक तपस्या का फल। सोनिया गांधी जी हमारी प्रेरणा स्रोत रही हैं और वो हमारी प्रेरणा स्रोत रहेंगी। बेशक वो अध्यक्ष रही, बीच में नहीं भी रही, अब फिर अध्यक्ष रही, लेकिन सोनिया जी की तो ऐसी छत्र छाया है हमारे ऊपर जो हमें हमारे ऊपर रहेगी। और खुद हमारे नए अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो भी उनके साथ बातचीत करके ही। क्या अलग हो रही है? इस तपस्या का फल ये माना जाए, राहुल जी की इस तपस्या का फल माना जाए? चलिए। हमारे साथ थी कुमारी शैलजा, उनका ये कहना था कि सोनिया जी के सानिध्य में ही कांग्रेस आगे बढ़ते रहेगी। मैं पंकज विश्वकर्मा खबर फास्ट के लिए, साथी कैमरामैन छन्नू लाल के साथ।